नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना, स्वागत है आपका जनसदन में। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल कोटियाल के रामनगर में युवा संवाद कार्यक्रम की सफलता के बाद अब पूरे प्रदेश में उनके 15 जगहों पर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर दी गई है, जिसको लेकर आज प्रदेश कार्यालय में आप प्रवक्ता नवीन पिरशारी ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान उनके युवा संवाद कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के युवाओं से सीधे संवाद के लिए आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोटियाल द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम की शुरुआत रामनगर से हुई है। हम सभी जानते हैं कि जिस परिकल्पना के साथ, जिस अवधारणा के साथ आप उत्तराखंड राज्य की नींव रखी गई थी, वो अवधारणा आज हमारी सरकारों ने पीछे कर दी है और आज हमारे प्रदेश का युवा पलायन और बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी मानती है कि उन युवाओं की ऊर्जा को इस राज्य के नवनिर्माण में लगाया जाएगा, जिसके लिए हमारे वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल जी युवाओं से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। और मैंने आपको अभी शेड्यूल बताया था कि किस तारीख को प्रदेश के किस जगह पर युवा संवाद होगा। आम आदमी पार्टी मानती है कि इस राज्य आंदोलन में भी युवाओं का बढ़ चढ़कर योगदान रहा है और अब इस राज्य के नवनिर्माण में भी हमारे युवाओं का फ्रंटलाइनर के तौर पर योगदान रहेगा और उनके इस योगदान के लिए आम आदमी पार्टी उनसे सीधा संवाद स्थापित कर रही है। आम आदमी पार्टी युवा संवाद का आयोजन करेगी। 15 जगहों पर कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार कर लिया गया है। कर्नल अजय कोटियाल ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। आम आदमी पार्टी की युवा वोटरों को साधने की कोशिश। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के तय कार्यक्रम क्या है। 23 जुलाई को काशीपुर में युवा संवाद कार्यक्रम, 24 जुलाई सितारगंज, तो 25 जुलाई को हल्द्वानी में आयोजन होगा, 26 जुलाई को चंपावत में आम आदमी पार्टी का युवा संवाद कार्यक्रम, 27 जुलाई को पिथौरागढ़, 28 जुलाई को कपकोट में होगा आयोजन, 29 जुलाई को अल्मोड़ा में युवा संवाद कार्यक्रम होगा। युवा वोटरों को साधने की बड़ी कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से। 30 जुलाई को द्वारा हाट में आयोजन होगा, 31 जुलाई को बद्रीनाथ में, 1 अगस्त को केदारनाथ में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा, वहीं 2 अगस्त को श्रीनगर में आयोजन किया जाएगा, 3 अगस्त को देवप्रयाग में युवा संवाद कार्यक्रम रखा जाएगा, 4 अगस्त को ऋषिकेश में होगा आयोजन, 5 अगस्त को रुड़की, तो वहीं 6 अगस्त को देहरादून में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो 23 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक आम आदमी पार्टी का ये पूरा कार्यक्रम है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोटियाल के रामनगर में युवा संवाद कार्यक्रम की सफलता के बाद पूरे उत्तराखंड में 15 जगहों पर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान उनके युवा संवाद कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने ये बताया कि प्रदेश के युवाओं से सीधे संवाद के लिए आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोटियाल द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम की शुरुआत रामनगर से हुई है। तो बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या युवा संवाद से आम आदमी पार्टी की नैया उत्तराखंड चुनावों में पार हो पाएगी। आम आदमी पार्टी युवा संवाद करने वाली है। 15 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इन जिलों में काशीपुर, सितारगंज, हल्द्वानी, चंपावत, देवप्रयाग, ऋषिकेश, रुड़की और देहरादून भी शामिल है। कर्नल अजय कोटियाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। रामनगर से आपको बता दें इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आम आदमी पार्टी की युवा वोटरों को साधने की कोशिश भी इसे कहा जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में युवा वोटर काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं सभी पार्टियां युवा वोटरों को साधने की कोशिशों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने भी
युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन करने का फैसला किया है। 15 जगहों पर एक कार्यक्रम रखा जाएगा। कर्नल अजय कोटियाल ने रामनगर से इसकी शुरुआत की है। तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल कोटियाल के रामनगर में युवा संवाद कार्यक्रम की सफलता के बाद अब पूरे प्रदेश में 15 जगहों पर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। ये 15 जगह कौन कौन सी है, वो है काशीपुर, सितारगंज, हल्द्वानी, चंपावत, पिथौरागढ़, कपकोट, अल्मोड़ा, द्वाराहाट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, श्रीनगर, देवप्रयाग, ऋषिकेश, रुड़की और देहरादून। ये वो 15 जगह है जहां पर आम आदमी पार्टी युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन करेगी और युवा वोटरों को साधने की पहल करेगी। इसी को लेकर प्रदेश कार्यालय में आप प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान युवा संवाद कार्यक्रम की उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के युवाओं से सीधे संवाद के लिए आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोटियाल द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम की शुरुआत रामनगर से हुई है। तो आम आदमी पार्टी युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। 15 जगहों पर पूरा कार्यक्रम रखा जाएगा। अलग अलग जिले हैं जिनमें काशीपुर, सितारगंज, ऋषिकेश, रुड़की, देहरादून आदि जिले शामिल हैं। कर्नल अजय कोटियाल ने रामनगर से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर आम आदमी पार्टी की बड़ी कोशिश है वो किसी तरह भी युवा वोटरों को अपने पाले में कर सके। तो बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या युवा संवाद से आम आदमी पार्टी की नैया इस बार के चुनावों में पार हो पाएगी। आपको बता दें कि युवा संवाद कार्यक्रम का आम आदमी पार्टी आयोजन करने जा रही है। युवाओं को एम्बेसडर बनाया जाएगा और युवाओं के अच्छे सुझावों को मैनिफेस्टो में भी शामिल किया जाएगा। तो उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है, उसी को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तैयारियों में जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के 15 जगहों पर युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार कर दी गई है। प्रदेश कार्यालय में आप प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने पत्रकार वार्ता के दौरान युवा संवाद कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं से सीधे संवाद के लिए आपके वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोटियाल द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम की शुरुआत रामनगर से हुई है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट जी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अभिमन्यु कुमार जी जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु जी और संजय जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत संजय जी के साथ करना चाहूंगी। संजय जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि आम आदमी पार्टी 15 जगहों पर युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है, तो क्या ये युवा वोटरों को साधने की कोशिश है या सिर्फ युवाओं से संवाद करने की एक नई पहल? देखिए, जहां तक बात साधने की है, उत्तराखंड बने हुए 20-21 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो युवाओं की हालत है वो बद से बदतर है उत्तराखंड में। और आप देखिएगा, आपने देखा होगा कि जो 4.5-5 साल हो गए जनता पार्टी की सरकार को, इसमें जो बेरोजगारी दर है वो बढ़कर 23.4% हो गई है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। यानी युवा उत्तराखंड का सबसे ज्यादा परेशान है, उनकी हालत बहुत गंभीर है। तो उनके साथ मिलकर कर्नल कोटियाल संवाद स्थापित करेंगे युवाओं के साथ, और युवाओं से उनके एक तरह से कहिए कि उनसे पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हैं कि उत्तराखंड नवनिर्माण जो होना है, जिसे करने की कर्नल कोटियाल चाहत रखते हैं, आम आदमी पार्टी चाहत रखती है, जो उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों के सपने हैं वो कैसे पूरे होंगे, ये युवा समाज द्वारा युवाओं से पूछा जाएगा। और युवाओं में जो अच्छे सुझाव आएंगे उन सुझावों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको किसी तरह से क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही की जाएगी, और युवाओं के अच्छे सुझाव को लिया जाएगा और आगे मैनिफेस्टो में भी हम लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है अभिमन्यु जी, आप पूरे उत्तराखंड में युवा संवाद करेगी, अच्छे सुझावों को मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
आप देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये आम आदमी पार्टी जो है उत्तराखंड के युवाओं से जब संवाद करती है तो क्या विषय रखती है, क्योंकि अब इनकी पोटली में जो कुछ है वही तो रख पाएंगे। अब पेंट की दुकान पर आप अगर फल ढूंढना शुरू करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा ना, और डिफरेंट कलर आप मिलेंगे तो आर्टिफिशियल मिल सकते हैं। एक्चुअली अभी इनके पास जो कुछ भी इनका कार्य क्षेत्र रहा है वो दिल्ली रहा है, तो दिल्ली में ये पिछले दो बार सत्ता में है लगातार, तो नेचुरली वहां पर इन्होंने क्या क्या दिया है ये भी सवाल उठेंगे। आखिर दिल्ली में ये दिल्ली की विधानसभा में इनकी मानसिकता देगी, आम आदमी पार्टी के जो सर्वे करवा रहे हैं श्रीमान केजरीवाल जी, वो चिल्ला कर कहते हैं दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मालिक हम है जी, तो ये क्या उत्तराखंड के मालिक बनना चाहते हैं आजकल? ठीक है, दिल्ली के मालिक तो वहां पर उन्होंने डिक्लेयर किया है, अब क्या है आम आदमी पार्टी उत्तराखंड का मालिक बनने के लिए आ रही, ये भी एक सवाल है, इसके लिए क्या ये संवाद करते हैं। और फिर मैं तो इनको एक सावधान ही कर रहा है, संजय भट्ट जी हमारे बड़े मित्र हैं, पहले शायद कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते थे, आजकल ये आम आदमी पार्टी में है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनसे जानना चाहूंगा कि इनको एक बात जरा इशारा कर देना, ये उत्तराखंड है जेएनयू के मुकाबले में ना रहे, युवाओं से जब आप संवाद करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें ये उत्तराखंड वीर भूमि भी है, घर घर में सैनिक है, ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिसका रणबोकरा बलिदान ना हुआ, ठीक है, देश के ऊपर बलिदान। संजय जी क्या कहना चाहेंगे जवाब में आप? ये जेएनयू के स्टूडेंट है, ठीक है सर, मैं जवाब ले लेती हूँ संजय जी से। संजय जी संवाद करने वाले क्या उनसे मैं जानना चाहूंगा, ठीक है, सावधान रहे आए संवाद, ठीक है, जरूर करें, लेकिन संजय जी आप क्या कहना चाहेंगे जवाब में? और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में तो उतर गई है लेकिन उसका संगठन उतना मजबूत नहीं है, और अब चुनाव के लिए सिर्फ 6 से 7 महीने बचे हैं, बीजेपी का संगठन अन्य दलों से मजबूत है, तो भाई कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, तो आम आदमी पार्टी कहां स्टैंड करती है उत्तराखंड चुनाव में? संजय जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तब तक अभिमन्यु जी आपसे मैं अगला सवाल ये लेना चाहूंगी कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को क्या चुनौती के तौर पर देख रही है? क्या लगता है कि पुष्कर सिंह धामी को कर्नल अजय कोटियाल कितनी चुनौती दे पाएंगे? कर्नल कोटियाल जी उत्तराखंड के बड़े सम्मानित व्यक्ति है, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी में चले गए हैं, अब वो वही काम करेंगे जो उनके बॉस जो श्रीमान केजरीवाल जी हैं वो कहेंगे, वो बताएंगे, वो दिशाएं वो या वो दूसरे कुमार विश्वास बनना चाहेंगे, तो दो ही उनकी प्रवृत्ति हो सकती है, या तो अगर वो अच्छाई की तरफ चलेंगे तो कुमार विश्वास बन जाएंगे, और अगर उन्होंने उनके रास्ते पे चलेंगे तो जो उनकी पोटली में वही वो परोसेंगे, तो इसलिए देखना दिलचस्प होगा ना कि अभी इनका शुरुआत है, क्या संवाद करते हैं और संवाद पर यहाँ का युवा क्या प्रतिक्रिया देता है, ये भी एक देखने वाला मतलब दिलचस्प वाक्य होगा, तो हम इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। संजय भट्ट जी अब मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में तो उतर गई है लेकिन आम आदमी पार्टी का जो संगठन है वो अभी मजबूत नहीं है, बीजेपी का संगठन उसके मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत है, तो भाई कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है अपने संगठन को मजबूत करने में, तो ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कहाँ स्टैंड करती है? संगठन की बात है तो हम मजबूती से काम कर रहे हैं, जनता के बीच में हम लगातार जा रहे हैं और जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं, घर घर जाके डोर टू डोर जाके हमने कोरोना काल में भी लोगों के चेकअप किए, उनकी ऑक्सीजन जांच की, उनका टेम्परेचर जांच किया, एक एक घर में हमारी पहुंच हो चुकी है, हम हर घर में जाने की हमने कोशिश की, और पिछले जो हमारा कार्यक्रम था डोर टू डोर उसमें 3 लाख
सदस्य भी हमने बनाए हैं उत्तराखंड में, और ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन उनकी जब प्रचंड बहुमत की सरकार आती है 57 सीटों के साथ, 70 में से 57 वो 3-3.25 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल देते हैं, तो ऐसी प्रचंड बहुमत की सरकार जो उत्तराखंड को पूरे देश में गौरवान्वित कराने की जगह कलंकित करवा देती है एक तरह से, कि भाई सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है। रायपुर में 2 साल में इनका बना हुआ पुल गिर जाता है, कुंभ में अगर हरिद्वार में कुंभ होता है तो वहाँ कोरोना टेस्ट फर्जी निकल जाते हैं जिससे करोड़ों के घपले घोटाले हो जाते हैं। ऐसे ही दूसरे भी मामले हैं, वो लगातार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे ही काम किए, इसीलिए इनको मुख्यमंत्री बदलने दिए पड़े। पहले इन्होंने मुख्यमंत्री दिए जो जीरो वर्ग सीएम साबित हुए, फिर उसके बाद दूसरे TSR 2 दिए तो वो जीरो विजन मुख्यमंत्री साबित हुए। अब माननीय मुख्यमंत्री बने हैं धामी जी, देखिए आगे आगे देखते हैं उनका क्या हाल होता है, या वो कुछ कर पाते हैं ये समय बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज ही माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तरकाशी गए थे, उत्तरकाशी में क्योंकि आपदा आई थी, बादल फटे थे और दूसरी घटनाएं हो गई थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए थे, वहां युवाओं ने और महिलाओं ने उनका जमकर विरोध किया। मेरे पास वो तीनों मीडिया आए हैं, मैंने सोशल मीडिया में भी देखे हैं, आप कहेंगे तो आपको भी भेज दूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी की तो ये हाल है कि दिल्ली चलो, और माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार किसी जनपद में गए, इससे पहले वो 12 दिन मुख्यमंत्री बने हुए थे, उनके 2 दौरे दिल्ली के हुए जिसमें से 9 दिन वो दिल्ली रहे, तो ये हाल मुख्यमंत्री जी के हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस 1.5 महीना हो गया है अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है, जबकि उनके मात्र 10 विधायक हैं, यानी 10 विधायकों में एक नेता प्रतिपक्ष जो पार्टी नहीं चुन पा रही, उनकी गुटबाजी आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी भी सामने आ चुकी है, 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं इस समय में, क्योंकि उत्तराखंड जैसा अभिमन्यु जी जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता है, वरिष्ठ नेता है, उन्होंने भी कहा कि ये वीर भूमि भी है उत्तराखंड वीर भूमि अवश्य ही है, और करनल कोठियार भी उन्हीं वीरों में से एक है जिनके शरीर में आज भी 2 बुलेट हैं आतंकियों की, जिन्होंने 17 आतंकियों को ढेर किया है, और जो ठीक है ठीक है सर्जिकल स्ट्राइक और सब। अभिमन्यु जी अब मेरा सवाल आपसे ये है, ठीक है संजय जी ठीक है, अब मैं अपनी बात 15 सेकंड में तो आप जी बोलिए, अगर आप बोलिए। साथ साथ उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश भी है, ऊर्जा प्रदेश जहाँ उत्तराखंड जहाँ बिजली बनती है, बिजली का उत्पादन होता है, जल जंगल जमीन और जन कुछ भी उत्तराखंड के काम नहीं आ रहा है, 20 साल की सरकारों का फेलियर है। असल में उत्तराखंड में पॉलिटिकल डिजास्टर आ चुका है, उस पॉलिटिकल डिजास्टर को आम आदमी पार्टी दूर करेगी और उत्तराखंड के शहीदों के जो सपने थे उनको पूरा करेगी। उत्तराखंड का नवनिर्माण करने के लिए करनल कोठियार आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, युवाओं से संवाद होगा और 15 जगहों पर जो संवाद कार्यक्रम रखा गया है वो 23 जुलाई से शुरू होकर और 6 अगस्त तक चलेगा। ठीक है अभिमन्यु जी आपके पास आना चाहूंगी, ये मैं पूछना चाहती कि उत्तराखंड में बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को सीएम चेहरा बनाकर बड़ा दाव खेला है, क्योंकि वो युवा चेहरा है, और बीजेपी का ये दाव राज्य के 44 लाख से अधिक युवा वोटरों को साधने की रणनीति में भी शामिल है। देखिए नुपुर आपने संजय जी से पूछा कि आपका संगठन की स्थिति क्या है उत्तराखंड में, मैं भी छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ, आप उत्तराखंड की पूछ रही है, अभी तो उत्तराखंड में आ ही रहे हैं, अरे दिल्ली में इसका संगठन क्या है, दिल्ली का कौन अध्यक्ष है, कौन महामंत्री है, कौन व्यक्ति है, कोषाध्यक्ष है, कहाँ किस जिला स्तर पर है, ब्लॉक स्तर पर है, वार्ड स्तर पर, सब यही बताते जाए सरकार में चल रहे हैं। एक्चुअली इनको संगठन की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा नेता है। दूसरी बात इन्होंने भी अच्छा कांग्रेस के प्रवक्ता जो है इसलिए इधर उधर की जो बात बोलने की आदत है इसलिए बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि मुझे हमारे पास इतना विधायक है, इतना मजबूत संगठन है, फिर आपने 2 बार मुख्यमंत्री हो गए, अरे यही तो हमारी ताकत है भाई, 2 बार मुख्य 5 साल में, मतलब ये बार बार सीएम बदलना आपकी ताकत है सर, लोगों को सुन लीजिए कमेंट बाद में कीजिए मेरा उत्तर तो सुन लीजिएगा, 5 साल में 2 बार मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी भाजपा की सरकार और तेजी से जोड़ रही है, काम कर रही है। गांधी जी जिस प्रकार से 15 दिन अभी हुए हैं, इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर अपने तेवर दिखाए हैं, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल में किया है, उसको लाइन पर लगाया है,
अभी इन्होंने आज को प्रकाशन में उनको तो ध्यान मारा, ये भूल गए कि जो बहुत दिनों से एक्चुअली पिछले साल भी कोरोना हुआ, इस बार भी कोरोना, तो यहाँ का जो पर्यटन और किसानों उद्योग है उसकी कमर टूट चुकी है, तो वो बड़े बुरी हालत में है। आज भी उन्होंने 200 करोड़ की उनको राहत करने की घोषणा की है। इससे पहले जो यहाँ की जो सड़क है सड़कों को ठीक रखने का मुझे 300 करोड़ की घोषणा कर चुके हैं। और देखो जन संवेदना कहती है, सच कहा है कि जनपद से इस करिए जो मामले हैं समस्या है जनपद में ही सुलटने चाहिए, शासन में नहीं आने चाहिए, आएंगे तो अधिकारी नपे। दूसरी बात उन्होंने ये जो 5G मूवमेंट में जो ढीला वाले की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तीसरी बात उन्होंने अपना बहुत अच्छी की है कि ये जो आपका क्या नाम, एक तीसरी बात उन्होंने की है कि ये पायलट ड्राइवर मुझे आपदा रात में, हाँ मुझे हमारा उत्तराखंड में कब कौन सी आपदा आ जाए कोई नहीं जानता, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का अभी तक का जो चांस मिलन को उसको देखते हुए उन्होंने उसको सीधे सीधे बोल दिया है कि रेस्पॉन्स टाइम शुद्धि की मिलेगा तुरंत आप एक्शन में आएंगे। तो जो जनता से जुड़े सीधे सीधे मुद्दे हैं उन्होंने रोजगार की बात की, रोजगार पे सबसे पहले उन्होंने रोजगार पे उतर दिया, रोजगार और स्वरोजगार तो युवा है ये उत्तराखंड के राज्य। ठीक है अभिमन्यु जी, मेरा सवाल यहाँ पे ये था कि हाँ अभिनव जी, अब मेरा सवाल सुन लीजिए अभिनव जी, मेरा सवाल ये था कि उत्तराखंड में बीजेपी ने युवा चेहरा बनाकर पुष्कर सिंह धामी को बड़ा दांव खेला है, बीजेपी का ये दांव राज्य के 44 लाख वोटरों को साधने की रणनीति थी अभिमन्यु जी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो उत्तराखंड को युवा मुख्यमंत्री दे दिया है, इससे बड़ी इससे ये बताए कि इनके पास कौन से युवा है, क्या करेंगे युवाओं के लिए, क्या करने वाले हैं? तो ये भी तो बताइए सर कि बार बार मुख्यमंत्री भी तो बदला गया है दिल्ली में, जो इनका सर बार बार सीएम भी तो बदला गया है, ये चीज भी तो देखिए आप। इंडिया बताएंगे, बांग्लादेश ही बताएंगे, आखिर उत्तराखंड को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? तो सर बीजेपी ने बार बार उत्तराखंड में सीएम भी तो बदला है, इस प्रकार से उन्होंने उनकी अवैध कॉलोनी बनाई है, उनको संरक्षण दिया जा रहा है, और तो और सांप्रदायिक दंगे दिल्ली में पहली बार हुए, और उसका दूसरा ये है। ठीक है ठीक है अभिमन्यु जी, ठीक है दर्शन है, यदि कोई मुस्लिम मरा तो उसको 1 करोड़ का मुआवजा। ठीक है संजय जी, अब मेरा सवाल आपसे है कि उत्तराखंड की राजनीति का उबड़ खाबड़ पहाड़ क्या आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली जितना सपाट रहने वाला है? देखिए पहले तो मैं अभिमन्यु जी की दो चार बातों का जवाब दूंगा। ठीक है जी, कह रहे थे एक तो इन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं और उनकी तारीफ में काम कर रहे हैं। सर मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, आप चाहेंगे तो वैसे ही कर लेते हैं जैसा आप कहेंगे। तोड़ मरो मेरा, मैंने कहा बहुत युवा और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, यही तो कहा, गलत थोड़ी ना कहा। अगर नहीं है अच्छे मुख्यमंत्री तो आप बोल दीजिए कि अच्छे। ठीक है संजय जी, आप बोल दीजिए कि अच्छे मुख्यमंत्री। संजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी तो मैंने यही कहा कि अभिमन्यु जी ने अभी कहा कि युवा और अच्छे मुख्यमंत्री हैं और वो ताबड़तोड़ ये फैसले ले रहे हैं वो फैसले ले रहे हैं, तो मैं अभिमन्यु जी से पूछना चाहूंगा कि जो अभी दो मुख्यमंत्री 4.5 साल उत्तराखंड के बर्बाद कर गए, तो क्या वो बेकार मुख्यमंत्री थे, वो खराब मुख्यमंत्री थे जो 4.5 साल बर्बाद कर दिए? वो बिल्कुल खराब मुख्यमंत्री थे, इसका मतलब ये स्पष्ट बात होती है। अच्छा अगर वो जी अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा वो पुराने वाले दोनों अच्छे मुख्यमंत्री थे तो उन्हें हटाया क्यों? एक एक करके अपने शब्द मेरे मुंह में, मैं बताया ना वो तेजी से काम कर रहे हैं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ वो दोनों तीरथ सिंह रावत जी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, तो अभिमन्यु जी उन्हें हटाया क्यों? तो मैं बता तो रहा हूँ वो तेजी से काम हो, तो सर तेजी से काम करने के लिए अब आप ऐसे आपने उत्तराखंड को 8 मुख्यमंत्री दे दिए, उत्तराखंड को आपने मुख्यमंत्री बनाने का क्या वो बना दिया है, फैक्ट्री बना दिए भैया? यहाँ पर एक ही रोजगार है खाली है, जो रोजगार वो है मुख्यमंत्री का रोजगार खाली है, बाकी युवाओं के लिए 23.4% उत्तराखंड में बेरोजगारी है, और अगर रोजगार मिलता भी है तो किसे मिलता है? जो माननीय हमारे स्पीकर साहब हैं,
उनके बेटे को मिलता है या फिर जो हमारे ठीक है अभिमन्यु जी मेयर साहब है उनके बेटे को मिलता है। अभिमन्यु जी आप जवाब दीजिए। हाँ जी देखिए मैंने कहा कि हमारा भाजपा का संगठन यह मजबूत है इसलिए हम 5 साल में 3 मुख्यमंत्री उनको दे पाए और मैं पूछना चाहता हूँ जो कह रहे ना तो सर ये 3 मुख्यमंत्री देना आप इसे उपलब्धि मान रहे हैं क्या? क्या जो भाजपा से अलग हो गए वो काम नहीं कर रहे क्या? अभिमन्यु जी बार बार सीएम बदलने को आपने उपलब्धि मान रहे हैं क्या? जनता के कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को पुलिस को रख रहे हैं, तो दोनों के दोनों मुख्यमंत्री आज भी उसी तरह से उसी उत्तर ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर ये नहीं कि वो टांग की जगह कर रहे हैं कि वो बूथ कर बैठ गए हैं, आज भी वो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में भाजपा के उत्तराखंड के लिए जो भी संभव है सरकार को भी सहयोग कर रहे हैं, संगठन को भी सहयोग कर रहे हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये संगठन पर चलती है, विचारधारा पर चलती है, कैडर पर चलती है, यहाँ पर हर नेता कार्यकर्ता होता है, एक कार्यकर्ता यहाँ ऐसा नहीं कि वो एक सर्वे करवाए। और मेरे बात का जो ठीक है की गई है उत्तराखंड को रोहिंग यहाँ पर कौन सा प्रदेश बनाना चाहते हैं, यहाँ आप कितने रोहिंगा जी बताना चाहते हैं ठीक है सर। सर मेरे पास समय का अभाव है, माफ कीजिएगा आपको रोकना चाहूंगी। अभिमन्यु जी और संजय जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव है और उसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने युवा वोटरों को साधने की बड़ी कोशिश की है। 15 जगहों पर युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी का युवा संवाद कार्यक्रम क्या पार्टी की नैया पार करा पाएगा? इसी मुद्दे पर आज हमने चर्चा की। चलिए फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।